गुजरात के बड़ोदरा में गणेश प्रतिमा को स्थापना के लिए ले जाते समय दो समुदायों के बीच झड़प हुई है। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई है। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के 13 लोगों को हिरासत में लिया है और FIR भी दर्ज कर ली है। घटना बड़ोदरा के मांडवी के पास पानी गेट इलाके की है, जहां सोमवार को देर रात 11 से 12 बजे के बीच दोनों पक्ष उलझ गए। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात कुछ लोग गणेश प्रतिमा को स्थापित करने के लिए ले जा रहे थे। इसी समय इन लोगों का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक शख्स ने दूसरे को पत्थर मार दिया। एक पत्थर पास से निकल रहे दूसरे समुदाय के शख्स को लग गया, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें पथराव और भगदड़ देखा जा सकता है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है। पुलिस के मुताबिक पथराव करने वाले आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। शहर के अन्य इलाकों में तनाव फैलने से रोकने के लिए पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। बड़ोदरा पुलिस में ज्वाइंट कमिश्नर चिराग कोरडिया ने बताया, गणपति का जुलूस निकाले जाने के दौरान दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया। फिलहाल यहां स्थिति शांतिपूर्ण है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।